हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं एक फॉल्ट के बारे में, जो कि वीडियो जेट की 1000 सीरीज में ये फॉल्ट आता है, EST ट्रिप। किसी मशीन में ये हाई वोल्टेज के नाम से आता है, किसी में EST ट्रिप के नाम से आता है। वीडियो जेट की जो 1000 सीरीज है उसमें ये आता है EST ट्रिप के नाम से। तो EST ट्रिप को कैसे हटाया जाता है, इस फॉल्ट को कैसे हटाना होता है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी नया जिन्होंने ये प्रिंटर लगाया है, जिनको इस फॉल्ट को हटाने के बारे में पता नहीं है कि इसको कैसे हटाया जाता है। तो आज हम उसको बताएंगे कि ये फॉल्ट कैसे हटाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी मशीन के पास चलते हैं और वहां हम इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हटेगा। ये मशीन की डिस्प्ले है। ये जो एरो का निशान आ रहा है दोस्तों, ये EST ट्रिप का फॉल्ट है। और अभी मैंने डिस्प्ले पे से जो हटा दिया है एक, तो उस पर लिखा हुआ भी आता है EST ट्रिप। तो ये जो एरो का निशान नीचे तिरछा तीर की तरह आ रहा है, ये EST फॉल्ट होता है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें हेड को खोलना पड़ेगा। हेड को खोलने के बाद हमें ये देखिए, इसमें ये काफी नीचे से हेड गंदा हो रखा है। और ये देखिए, तो इस फॉल्ट को हटाने के लिए हमें सबसे पहले हेड को क्लीन करना रहेगा। आइए दोस्तों, हम इसको क्लीन कर देते हैं। हो सकता है ये जो फॉल्ट आया हो वो प्रॉपर ड्रॉप नहीं आ रहे हो, नोजल में कोई पार्टिकल फंस जाता है तो प्रॉपर ड्रॉप नहीं आता है, तो प्रॉपर मॉड्यूलेशन नहीं आ होने की वजह से EST ट्रिप हो जाता है। तो अब हम जाएंगे ऑप्शन सिस्टम में हमने एंटर किया। एंटर के बाद ये देखिए, क्यूक स्टॉप के नीचे नोजल फ्लश पर हम एंटर करेंगे। और ये देखिए नोजल फ्लश कैसे होता है। इसमें नोजल फ्लश पे एंटर कर रहा हूँ, किया, यहाँ नोजल फ्लश लिखा हुआ है, ये वाल कट किया। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ये देखिए, ये नोजल, ये हमारी नोजल बिट है, ये वाला हिस्सा। अब मैं इसमें क्लीनिंग सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे एक पीछे वाले पाइप में राइट हैंड साइड वाले पाइप में आपको ऊपर से करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये नोजल प्लस खींच रहा है, नोजल खींच रही है। दूसरा आप यहाँ भी देख सकते हो, जो सबसे राइट हैंड साइड में जो सबसे मोटे वाला पाइप होता है, ये मैं फ्लशिंग कर रहा हूँ, आप देखोगे इसमें आपको शक करता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए, इसका मतलब आपकी नोजल प्रॉपर फ्लश ले रही है। ये देखिए, जैसे ये कट की आवाज आएगी आप फ्लशिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि फ्लश कट की आवाज, ये वाल बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये नोजल फ्लश हो जाता है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए सूखने का हेड का, या तो आपके पास अगर कोई हेयर ड्रायर वगैरह है तो आप उससे सुखा सकते हैं इसको, या फूंक मार के टिश्यू पेपर से इसको सुखाइए। तो हम कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे इसके सूखने का। सूखने के बाद आपको इसको वापस कवर में लगाइएगा।
कवर में लगाने के बाद आपको जाना रहेगा कैलिब्रेट ऑप्शन में। सिस्टम, सिस्टम से आगे कॉन्फिगर, कॉन्फिगर आगे कैलिब्रेट। तो मैं ये राइट एंड से कैलिब्रेट में आ गया। कैलिब्रेट में एंटर करेंगे तो उसमें देखो ईएसटी ट्रिप पर हम आएंगे। ईएसटी ट्रिप पे, ईएसटी ट्रिप पे आने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो वो मशीन हमसे पूछ रही है कि आर यू श्योर प्रिंट हेड क्लीन एंड ड्राई। तो हमने प्रिंट हेड को क्लीन भी कर दिया है और ड्राई भी कर दिया है, सुखा भी दिया है हमने इसको। उसके बाद हम श्योर के लिए प्रेस हम ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई देगा प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस जब तक चलता रहेगा तब तक आप कोई की नहीं दबाएंगे और वेट करेंगे। जैसे ही ये प्रोग्रेस कंप्लीट होगा आप देखेंगे आपका ईएसटी ट्रिप का जो बोल्ट है वो चला जाता है। ये देखिए आपका जो तीर का निशान जो यहाँ पे ईएसटी ट्रिप का आ रहा था वो जा चुका है। अब आप हेड का कनेक्टर पाइप निकालिए, स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो देखिए अब मशीन ये स्टार्ट हो रही है। तो देखा दोस्तों आपने ये ईएसटी ट्रिप का फॉल्ट कैसे हटाया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और किसी भी क्वेरी के लिए प्रिंटर के रिगार्डिंग आप हमें कॉल कीजिएगा। नीचे चेक बॉक्स में हमारा नंबर है, आप उस पर देख के कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।